आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े। इस रेसिपी में ना तो दाल भिगोने का झंझट और न ही पीसने का झंझट, बस सूजी को आधे घंटे के लिए भिगोएंगे और फ्राई करके फटाफट ये मज़ेदार दही बड़ा बनाएंगे। इस वीडियो में मैंने सारी चटनी की रेसिपी भी बताई है जिससे कि आपको ये वीडियो एकदम कम्प्लीट लगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के मज़ेदार दही बड़े की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सूजी का दही बड़ा बनाने के लिए एक कप हम बारीक वाली सूजी ले लेंगे और इसमें हम आधा कप दही डाल देंगे। दही के साथ ही हम आधा कप यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो जितना सूजी यूज़ करें उसका आधा दही और आधा पानी यूज़ करें। मिला दें इसे अच्छे से। अब हम इसे ढक के आधी घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी जो है वो थोड़ा सा फूल जाए। तो इसे ढक के रख दें, तब तक हम चटनी वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे चटनी के लिए धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च ली है मैंने, अदरक लिया है और नमक लिया है। इन सबको क्या करेंगे कि ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। जैसे नॉर्मल हरी वाली चटनी बनती है ना, वैसे ही हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को इस जार में डाल दें। आप इसमें आधी छोटी चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे, फिर हम इसमें ज़रा सा पानी डाल देंगे और जार का ढक्कन बंद करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हम जीरा को भून लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में जीरा डालें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जीरा यूज़ किया है क्योंकि ग्राइंड करने के लिए जीरा की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जीरा को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लें। जैसे ही जीरे से हल्की सी धुआं निकलने लगे, गैस को बंद कर देंगे और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे इतना जीरा तो हमें इस दही वड़े में नहीं चाहिए, आप चाहे तो बाकी को स्टोर करके रखें फ्यूचर यूज़ के लिए। तो यहाँ पे इसका पाउडर बना लेती हूँ मैं और ये हमारा भुना हुआ जीरा का पाउडर रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ पे हम चटनी बनाएंगे। तो एक पैन में हम 1/3 कप इमली का ये पल्प डाल देंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा चीनी, यानी चीनी थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो 2 बड़े चम्मच चीनी डालें और इसके बाद आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। इन सबको मिला दें और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा ना, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं करें। तो चटनी की जो थिकनेस है वो आप इतनी ही रखिए क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे गैस को बंद कर दे और इसे रख दे अलग। अब हम क्या करेंगे, आधे घंटा हो चुका है तो यहाँ पे सूजी का ये जो बैटर है इसे हम एक बार वापस इसे ऐसे मिला देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पे 2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च मैंने बारीक काट के रखा है। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे, तो 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा डाल दें। मिला दें इसे। सोडा डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, इसे तुरंत हम वड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे तेल में थोड़ा सा बैटर डाल के देखिए, तेल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा था। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और गर्म तेल में इस बैटर को ऐसे डालें, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जैसे हम वड़ी बनाते हैं ना, वैसे ही आप इसे डाल दें। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप स्पून से 1 स्पून पे बैटर उठाएं और दूसरे स्पून से उसे गिरा दें। तो यहाँ पे ये फूलना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। वड़ा में हमने सोडा डाला है जिसकी वजह से ये पहले से ज़्यादा फूल जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा एक बैच रेडी हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस से बाकी के वड़े को तल लेंगे। तो इस बार ये जो वड़ा है वो मैं थोड़ा बड़ा साइज का बना रही हूँ। यहाँ पे बैटर थोड़ा सा ज़्यादा डालें। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे पलट पलट के ऐसे दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले जो वड़े हैं वो पहले वाले की तुलना में थोड़े से बड़े बनाए मैंने। तो इसे भी हम निकाल लेंगे और चटनी वगैरह हमने पहले से रेडी करके रखा है। तो अब हम इन वड़ों को गर्म पानी में सोख करेंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। तो यहाँ पे एक पैन में 1/2 लीटर पानी रखें, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और पानी को हल्का गुनगुना करें। गुनगुना पानी में हम इन वड़ों को डाल देंगे। मैं यहाँ पे पूरा वड़ा नहीं डाल रही हूँ, जितना सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे उतना ही बाकी हम अलग रख देंगे। तो यहाँ पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें, गैस को बंद रखें। 3-4 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐसे स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, वड़े जो है वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं निकाल लेती हूँ। मैं जैसा कि मैंने बताया कि वड़ों को गुनगुने पानी में डालें और पूरा वड़ा एक साथ नहीं डालें, जितना सर्व करना है उतना ही वड़ा पानी में डालें, बाकी को आप फ्रिज में रख के बाद में सर्व के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन वड़ों को निकाल लिया है। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो सर्विंग के पहले हम क्या करेंगे, दही का बैटर बना लेंगे। तो 1 कप दही लिया है मैंने, दही में हम चीनी और नमक मिला के इसका एक पतला घोल बना लेंगे। तो 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच चीनी डाल दें, इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। अगर दही बहुत गाढ़ा है तो आप इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा
दही वड़ा का दही जो है वो रेडी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। तो सर्विंग प्लेट में वड़े को हम दही में डुबो के उसके बाद इस प्लेट में सर्व करेंगे। तो वड़ा मैंने यहाँ पे अलग से रखा है, तो एक वड़ा लेंगे और उसको ऐसे दही में डुबो देंगे और उसके बाद थोड़ा सा दही इसके ऊपर ऐसे डाल दे या फिर अच्छे से सोक कर दे इसे। फिर हम इसे इस सर्विंग प्लेट में रख देंगे और सेम प्रोसेस से जितना वड़ा आप सर्व करना चाहे उसे दही में पहले डिप करें उसके बाद इस प्लेट में रखें। इससे क्या होगा, दही जो है वो अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा वड़ा। और यहाँ पे ये दो वड़ा और इसके बाद ये लास्ट वड़ा जो है वो मैं रख देती हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ा सा दही डाल देंगे, तो यहाँ पे जितना दही आपको पसंद है वो उसके ऊपर ऐसे डाल दें। और अब शुरू करेंगे वड़े की असली सजावट। तो यहाँ पे ये दही पहले अच्छे से डाल दिया मैंने, अब हमने जो ग्रीन चटनी बना के रखी है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे वाइट वाइट दही के ऊपर ये हरी हरी चटनी का जो कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एकदम डेडली लगता है। तो यहाँ पे ये चटनी डाल देती हूँ मैं। चटनी डालने के बाद हम इस पे इमली की चटनी डालेंगे जो हमने बना के रखी है। तो ये वाली जो चटनी है वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, रेड नहीं मरून बोले। और इसके ऊपर हम एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। फिर हम इसके ऊपर ज़रा सा नमक डाल देंगे, तो यहाँ पे ये नमक डाल दें। इसके ऊपर हम लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, इससे ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर जो हमने भुना हुआ जीरे का पाउडर रखा है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे ये स्प्रिंकल कर दिया मैंने। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें और लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसकी जगह अनार का दाना भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा खट्टा मीठा तीखा चटपटा बहुत सारे फ्लेवर वाला दही वड़ा रेडी हो चुका है, जिसमें हमने दाल वाल नहीं भिगोया है, आधे घंटा के लिए सूजी भिगोया था और फटाफट इस दही वड़े को बनाया है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।